अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर, डॉक्टर पिता कैसी है अब? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को होश आया। डॉक्टर साहब प्लीज बोलिए ना, चुप क्यों है? प्लीज डॉक्टर जल्दी बताइए। देखिए प्लीज आप सब शांत हो जाइए। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। क्या रीता जी का इससे पहले कोई एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हुआ डॉक्टर, आज से कई साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें जिसमें प्रीता की याददाश्त चली गई थी और इतने सालों से उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। क्यों, क्या हुआ? पर अब वापस आ रही है। आ रही है। बस एक प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? उनकी याददाश्त तभी वापस आएगी जब 24 घंटे के अंदर अंदर वो खुद जिंदगी में वापस आएंगे। मतलब एक मिनट डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब जिंदगी में वापस आएंगे क्या मतलब है? देखिए, अगर कल रात 11 बजे तक उन्हें होश आ गया तो वो बच जाएंगे। और उनकी पुरानी यादें भी उनके पास वापस आ जाएंगी अगर उन्हें होश आया तो। देखिए डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं सच में मेरी को समझ नहीं आ रही। होश में आई तो मतलब होश में क्या क्या कहना क्या चाहते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो होश में ना आई तो आप खुद समझदार। डॉक्टर प्लीज आप मुझे क्लियरली एक बात बताइए कि चांसेस क्या है। ऑनेस्टली 90% चांसेस है कि उन्हें होश नहीं आएगा। आज से कई साल पहले एक हादसा हुआ था जिसमें जिसमें प्रीता की याददाश्त चली गई थी और इतने सालों से उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है। पर अब वापस आ रही। अगर कल रात 11 बजे तक उन्हें होश आ गया तो वो बच जाएंगी और उनकी पुरानी यादें भी उनके पास वापस आ जाएंगी। हंस भी रहा है, रो भी रहा है, उसे हो क्या गया? राजवीर, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हो? बताओ ना, बोलो ना, कुछ क्या हुआ है? We'll be right back.
प्रीति, पता है वो डॉक्टर ने क्या कहा? क्या क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि माँ की याददाश्त वापस आ रही है, अब जब उन्हें होश आएगा उन्हें सब कुछ याद होगा, सब कुछ। तुम क्यों रो रही हो? ये खुशी के आंसू है राजवीर, जब तक तुम्हारी माँ को होश आएगा तो वो अपनों को पहचान लेंगे, अपना घर, अपने पति। तुम सोचो ना, जैसे एक पल में उनका सब कुछ खो गया था, वैसे एक पल में उन्हें उन्हें सब कुछ वापस मिल जाएगा, नाम, मान, खानदान, एवरीथिंग। राजवीर, मैं कितनी खुश हूँ मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। वो तुम्हें पहचान लेंगे, उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा, उनका घर, उनके पति, सब कुछ। मैं बहुत खुश हूँ। कि मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। जस्ट इमेजिन राजवीर, जब वो तुम्हें अपना बेटा बोल के बुलाएंगे। बेटा तो वो अब भी बुलाती है मुझे पलकी। लेकिन राजवीर, जब उन्हें पता होगा कि तुम उनके बेटे हो और वो तुम्हारी माँ, वो माँ जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है, इसकी फीलिंग अलग होती है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। काव्या, क्या बात हो गई? बड़ी माँ, मैंने सुना कि डॉक्टर ने कहा कि प्रीतभा की याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ, प्रीता की याददाश्त वापस आ जाएगी, और अब जब तेरी माँ तुझे देखेगी ना, तो उसकी आंखों में जन्म देने वाली माँ की ममता होगी। माँ और एक बेटी का मिलन होगा, और वो पल भी क्या पल होगा, सच में देखने वाला पल होगा। देखा, एक बार फिर बुराई पे अच्छाई की जीत हो गई। तेरी माँ को मारना चाहते थे, उनके इरादे फेल हो गए, तेरी माँ बच गई और उसकी याददाश्त भी वापस आ गई। थैंक यू माता रानी, आपने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया। कभी कभी बुरा होके भी अंत में अच्छा ही हो जाता है। हाँ बेटा, माँ ने कहा ना अभी कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती, हो गई। सच कहा आपने, बुराई की कभी जीत नहीं हो सकती और अच्छाई कभी हार नहीं सकती। अच्छाई की जीत तो होना तय है। और काव्या बेटा, तुझे तेरी माँ मिल जाएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।